हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ वैकेंसीज शेयर कर रहा हूं जो नोटिफाई की गई हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI जैसे हम इनको जानते हैं। और ये वैकेंसीज जो हैं डेपुटेशन पर होंगी, इसमें वही अप्लाई कर पाएंगे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं या किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। जो भी ऑलरेडी सर्विस में हैं और अपनी ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर भी करते रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और कई लोग हो सकता है प्लेस चेंज करने के लिए भी इसमें अप्लाई करना चाहें। हालांकि ये पोस्ट उनके लिए हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं और रिक्वायर्ड सर्विस उनके पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औरों के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमने एक स्टेनोग्राफी कैरियर चुना है और उसके लिए हमने तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब हम जॉब ले लेते हैं उसके बाद भी अगर हम अपने आप को तैयार करते रहें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज टाइम टू टाइम आती रहती हैं। जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है या अभी 6 महीने, 1 साल, 2 साल हुए हैं उनको और वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, उनके लिए भी एक इसके स्पेसिफिकेशंस को जानना या इसको पूरी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को फ्यूचर में आने वाली वैकेंसीज के लिए तैयार कर सकें। इसके अलावा जो भी लोअर ग्रेड में काम कर रहे हैं स्टेनोग्राफी में, उनको भी ये समझ आ सकती है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ तो हैं ही हैं। अगर उसके अलावा अगर हम डेपुटेशन पे जाएं कहीं, तो वो अपॉर्चुनिटी भी है। और डेपुटेशन पर भी कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनली उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मे बी एट द एंड ऑफ द डेपुटेशन, ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज मैंने देखी हैं। तो अगर हम पॉजिटिवली सोच के अपने आप को तैयारी करते रहें अपनी, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज टाइम टू टाइम आती रहती हैं। डिपेंड करता है कि हम कितने तैयार हैं उसके लिए। अब मैं आपको इस एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स बताता हूं कि उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, जिसको हम FSSAI कहते हैं इन शॉर्ट, ये एक स्टेटूटरी अथॉरिटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये दिल्ली में बेस्ड है। इनके जो मेन ऑफिस है, उन्होंने एक 6 अक्टूबर को सर्कुलर इशू किया है जिसमें उन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं फॉर डेपुटेशन ऑन फॉरेन सर्विस टर्म्स। इसमें आप जैसे देख रहे हैं, सेकंड पैरा में इन्होंने लिखा है, FSSAI प्रपोजेस टू फिल अप वेरियस पोजीशंस फ्रॉम ऑफिसर्स होल्डिंग रेगुलर पोजीशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और सेमी गवर्नमेंट स्टेटूटरी और ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस ऑन ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑन फॉरेस्ट सर्विस टर्म्स बेसिस एज पर द डिटेल्स एंड कंटेंट इन एनेक्सर 1। Applicants fulfilling the eligibility criteria and having relevant experience etc. may apply online on the link available on the FSSAI website commencing from 10th October to 5th November 2022. Aage unhone likha, the hard copy of online application form duly certified by the employer along with certificate by employer cadre controlling authority in the prescribed format and other supporting certificates documents must reach through proper channel to assistant director recruitment, pura inhone address diya hai isme, by 20th November 2022, failing which the online application will not be entered considered. Ye important hai sabke liye. Aur uske baad period of deputation would be initially for 2 or 3 years depending upon the post. Further extension beyond the stipulated terms would be subject to performance evaluation in the organization. और जो terms हैं deputation की, वो normal जो होती हैं, इन्होंने बताया है कि कैसे regulate होंगी, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। और the maximum age limit for appointment on deputation for the post of advisor shall be 58 years and for other posts it will be 56 years on the last day of receiving of the application. Vacancies shown in the advertisement are indicative, which may increase or decrease.
The food authorities have the right not to fill up all or any of the vacancies or to cancel the advertisement at any stage. और ये डिजिटली साइंड है और सभी मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस डिपार्टमेंट्स को भेजी हैं. फिर भी अगर किसी के पास नहीं आई किसी के ऑफिस में और इसको आप डाउनलोड करके इसको आप लगा के साथ में अप्लाई कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के थ्रू. ये इन्होंने एक फॉर्मेट दिया है सर्टिफिकेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑब्लिगेटर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जिसमें उन्होंने जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से दिया है. विच नीड्स टू बी साइंड काउंटर साइंड बाय द एम्प्लॉयर. पोस्ट बहुत सारी अलग अलग नेचर की हैं, लेकिन मैं सीरियल नंबर 12 की बात कर रहा हूँ. सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी लेवल 8, आप देख रहे हैं पे स्केल 47,600 का है. चार वैकेंसीज हैं और इसमें ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज और यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा जो भी हैं जहाँ भी काम कर रहे हैं. होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट केडर और डिपार्टमेंट विद 2 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर टू ऑन ए रेगुलर बेसिस इन पे लेवल 7. या तो सेम केडर में होना चाहिए, सेम पोस्ट पर होना चाहिए, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस हो लेवल 7 पर. और उसके बाद क्या है कि बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ये रिक्वायरमेंट है उनकी. उसके बाद है सीरियल नंबर 13 पर्सनल सेक्रेटरी, पे लेवल 7 है. पे स्केल आप देख रहे हैं 44,900 से शुरू हो रहा है. 15 वैकेंसीज हैं. इसमें भी जो भी काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस में, जो भी जहां भी काम कर रहे हैं, या तो उनकी सेम पोस्ट हो ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट केडर और डिपार्टमेंट, या उनको 5 साल का एक्सपीरियंस हो लेवल 6 में. रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं और लेवल 6 में एक्सपीरियंस हो 5 साल का. और इसमें भी बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ये दोनों रिक्वायरमेंट हैं. नेक्स्ट है सीरियल नंबर 15, ये असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 6 में है. पे स्केल दिया है इन्होंने 35,400. 7 वैकेंसीज हैं और इसमें भी रिक्वायरमेंट है कि होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट केडर, या तो सेम पोस्ट पर हो, सेम ग्रेड में हो, या फिर विद 10 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर टू ऑन ए रेगुलर बेसिस इन द पे लेवल 4. जो भी पे लेवल 4 पर काम कर रहे हैं और 10 साल के उनकी सर्विस हो चुकी है, वो एलिजिबल हैं इसके लिए. और हैविंग 3 years एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैविंग 3 years एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट and or vigilance matters depending on the post requirement and possessing bachelor's degree from a recognized university or institution. ये requirement है इनकी. उसके बाद serial number 16 पर junior assistant grade 1 है, ये level 4 है. इसकी एक ही vacancy है इसलिए मैंने उसको thumbnail में नहीं लिखा. इसमें pay level 4 में 25,500 है और इसमें भी या तो same post पर हो, या विद 8 years सर्विस इन द ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर टू ऑन ए रेगुलर बेसिस इन पे लेवल 2. पे लेवल 2 में जिनको 8 साल का सर्विस हो गई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो सेम लेवल पे हों वो भी अप्लाई कर सकते हैं. और इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट है सीरियल नंबर, नेक्स्ट है पोस्ट कोड 17. ये पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, ग्रेड 2 है, ये लेवल 2 है. पे स्केल 19,900. इसमें 12 पोस्ट हैं. इसमें भी दोज हु आर वर्किंग एनीवेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट व्हाटएवर इट इज, या तो सेम पर पोस्ट पर हों, या विथ 3 years सर्विस इन द ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर टू ऑन ए रेगुलर बेसिस इन पे लेवल 1. पे लेवल 1 पर 3 साल का एक्सपीरियंस हो, विद एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग डायरी डिस्पैच एंड टाइपिंग
on computer etc. and possessing 12th standard or equivalent examination from a recognized board. तो ये इनकी रिक्वायरमेंट हैं जो मैंने आपको बताई हैं. लास्टली मैं ये कहूँगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, जो कट ऑफ डेट दी है उससे पहले अपने थ्रू प्रॉपर चैनल एप्लीकेशन भेज दें. और ये अपॉर्चुनिटी आती रहती है टाइम टू टाइम, हम उसके लिए कितना अपने आप को तैयार करके रखते हैं ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है. दैट्स ऑल. थैंक यू.